जोरों से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी। मैंने कहा किस चीज में? बोले भीख मांगने लगे। तो ये हमारे देश पर बुरी नजर रखते हैं और हमको बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी आम खराब नहीं है, वहां की आम जनता को अलग भी कहना चाहूंगा, वहां की जो राजनीति वाले हैं वो इतने खराब है कि उनकी वजह से पाकिस्तान के आवाम को, आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। तो सुधर जाओ राजनीति करने वालों, पाक को पाक रहने दो, उसे बेदाग रहने दो, दाग मत लगाओ, नापाक ना करो। खैर फिर से वापस आ रहा हूँ, ये फिल्म हॉरर फिल्म बन रही है और मैं इस फिल्म के बोलने के लिए खास कर आया हूँ क्योंकि इस टाइप की फिल्मों में हम जैसे शक्लों की जरूरत होती है। एक बार मैं राम से बुद्ध से मिलने गया था, ये सच्चा किस्सा, केशव राम से मिलने गया था जब बहुत पहले की बात है। मैंने कहा सर मुझे अपनी फिल्म में काम दीजिए, तो राम से बुद्ध से मेरी मुझे जो रोल दिया, ये रोल देने की जो बात थी वो तारीफ थी या मेरा मजाक था सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में मेन रोल, मेन विलन का रोल दूंगा। राम से बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में मेन विलन का रोल दूंगा। अब आपको तो पता है राम से की फिल्म में मेन विलन भूत होता है, वो बाद में मुझे पता चला कि मुझे भूत का रोल देने वाले थे और बाद में उन्होंने बताया कि अंदर से बोल रहे थे कि भैया जब ये रोल तुम करोगे तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप का खर्चा बता रहे थे। तो इस टाइप के जो युवा पीढ़ी के लोग इस फिल्म को बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी शुभकामनाएं, नए लोग आ रहे हैं, नए आइडिया के साथ आ रहे हैं, नई फिल्म के साथ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। मैं अपने अंदाज में पेश कर देता हूँ। मित्र क्रॉस फिल्म के लिए मैं तरफ से शुभकामना, आसमान से चंद्रयान आया है खास इस फिल्म को शुभकामनाएं। जमीन की हालत आपको पता ही है, आदमी किसी से पूछे हाउ आर यू तो फाइन कहने से डर रहा है क्योंकि फाइन बहुत हो रहा है। लेकिन क्रॉस फिल्म को इतनी शुभकामना दे रहा हूं, ये फिल्म जब हिट हो जाएगी 100-200 करोड़ कमा लेगी तो मैं अपनी तरफ से इनको पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह थे कहते हैं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है मित्रों कि भाई नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह क्रॉस फिल्म देखने का काम सबसे पहले करें। इस फिल्म में मित्रों, क्रॉस फिल्म में मित्रों मैं कोई भी धारा नहीं लगाऊंगा, केवल एक ही धारा लगाऊंगा, धारा शुद्ध धारा। हम इस फिल्म को शुभकामना दे रहे हैं बहुत सारे रिश्ते में हम सबके बाप रखते हैं, ना है अमित शाह। मुझे मेरी पुरानी टीम बरखा के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरा करेक्टर है ये बहुत ही हॉरर और बहुत ही प्यारा करेक्टर है। ये मूवी अभी ऑन रोड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेट्स सी, देखते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और क्या किरदार निभा रहे हैं? हम लोग कुछ खास किरदार हैं इसमें, जैसे कि कुछ फ्रेंड हैं हम लोग, कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ जाते हैं अपना हॉलीडे करने, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि सारा चीज़ ये क्रॉस जो फिल्म का नाम है, क्रॉस मिलने पर वो चीज़ मालूम होता है, बाकी चीज़ स्टोरी पर क्लियर हो जाएगी। सर आप बताइए क्या कितने एक्साइटेड हैं, कितना कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं इस फिल्म में कुणाल का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरे चेहरे पर इतनी शराफत दिख रही होगी वो बहुत ज़्यादा दिखेगी फिल्म में आपको। और इस फिल्म एक ये फिल्म एक हॉरर है, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री है, जो हादसाएं हम लोग के साथ होती है वो सारे रिलेट क्रॉस से करती हैं। मेरे डायरेक्टर साहब ने जो विज़न मुझे बताया सुन के मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे राइटर साहब ने कहानी को इतनी अच्छी से गढ़ी है, दिल खुश हो गया। आप लोग के पास आएगा जब ये, आप लोग का बहुत मज़ा आएगा। ये फिल्म एक्चुअली है तो हॉरर लेकिन इसमें ड्रामा, ट्रेजेडी, सस्पेंस, थ्रिल सबका इसमें समावेश है।
लेकिन आज के दौर में कितना समझते हैं कि हॉरर फिल्म को कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हॉरर फिल्म में कमी आती हैं और बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ट्राई किए हैं लेकिन उतना ज़्यादा कमेंट नहीं हो पाया। मेरा एक तजुर्बा है सस्पेंस थ्रिलर हॉरर का 30-32 साल का, वो ये है कि ऐसी फिल्में ना बहुत अगर हिट ना हो, सुपर डुपर हिट ना हो, तो एक इनका मार्केट है और वो हमेशा रहता है। तो शूटिंग शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए कि कब शूटिंग शुरू होने वाली है, कब तक पर्दे पाने वाली है। शूटिंग लोकेशन कहाँ की रहेगी? 10 तारीख से कर रहे हैं और कुछ तो हम मुंबई के आसपास कर रहे हैं और कुछ नैनीताल करने वाले हैं। सर आप चाहो क्या करना चाहेंगे, कैसे जुड़े हैं? बेसिकली बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इस फिल्म में मैं जुड़ा हूँ। एक इंस्पेक्टर आने हैं, दिस स्टोरी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द गर्ल एंड मिस इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर रानी। एक ग्रे कैरेक्टर होता है, उस हिसाब का मेरा कैरेक्टर। बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप लोग सब थिएटर में देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। जसपाल जी, आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है हॉरर फिल्म बनाने का, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपने हॉरर फिल्म करके अभी भी कर रहे हैं, क्या आकर्षित करता है हॉरर फिल्म बनाने के लिए आपको? हाँ जी, क्या आकर्षित करता है, अट्रैक्ट क्या करता है? ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं हम लोग, के ऑडियंस जो हमारी समझो इंडियन ऑडियंस है 50% हॉरर फिल्मों को पसंद करती है, हॉलीवुड में तो उसका क्रेज ज़्यादा है, तो बस यही ऑडियंस को ध्यान में रख के मैं। लेकिन आज के समय में कितना एक्सेप्टेबल समझते हैं कि दर्शक करेंगे इस तरह? सर अगर देखा जाए तो जो मास ऑडियंस है हमारी हॉरर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से ज़्यादा, बस उन्हीं को ध्यान में रख के बनाता हूँ। हाय, माय नेम इज योगी राज और मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं इस पिक्चर में क्या कर रहा हूँ। इसका नाम है क्रॉस। इसके ऊपर जो मोमबत्ती लगी हुई है सारी की सारी, वो सब मैंने लगाई है, तो आगे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। मतलब मैं अच्छा तो कुछ नहीं करूँगा, जो भी होगा वो बुरा ही होगा और हमेशा बुरा ही करता रहा और करता रहूँगा। अभी 20 तारीख को हमारी पिक्चर आ रही है और ये क्रॉस जो है वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी हिट होने वाली है, बिकॉज आई लव द स्टोरी। सर ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, जैसे सुन के मैंने पहले दिन ही हाँ बोल दिया। तो डेट्स डेट्स का लोचा होगा सर थोड़ा सा? हाँ जी, डेट्स का थोड़ा लोचा होगा, बट मैंने हाँ बोल दिया था। तो क्या टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा दर्शकों को, कितना ज़्यादा घुमाया? मर्डर मिस्ट्री होते हुए हॉरर का क्वेश्चन लिया जाए, लेकिन काफ़ी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि मर्डर मिस्ट्री सबने सब्जेक्ट को रिवील नहीं कर सकते। हाँ, ऑडियंस को आनंद जरूर प्रदान करेगी ये। गहराई कितना है इस स्टेटमेंट को? क्या गहराई? मतलब ये है कि भाई दर्शक बैठे रहेंगे और फिल्म का आनंद लेंगे। लीना जी, इसके अलावा और क्या कर रही हैं बताइए, और कोई प्रोजेक्ट है जो आप करने वाली हैं, करना चाहती हैं? और वेब सीरीज जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बताइए कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, तो वेब सीरीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे चल के? या ऑफ कोर्स, वेब सीरीज़ क्यों नहीं करना चाहती हूँ। और मेरी अपकमिंग मूवीज़ है गुल मलाला एंड दबंग 3 और क्रॉस, और बहुत सारी साउथ की प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे रिलीज़ होने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे बड़ा प्रोजेक्ट है अनिल कपूर जी के साथ में, तो वो भी मेन है, मेरा अच्छा करेक्टर है उसमें, वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो बस अब सलमान के साथ पिक्चर कर ली तो तो दबंग 3 में क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कैसा अनुभव था या क्या किरदार निभा रही हो, सबसे बड़े अचीवमेंट आपके लिए करियर के हिसाब से क्या करना चाहिए? या फर्स्ट सलमान जो है, जितना मैंने न्यूज़ में और बाहर और एक नॉर्मल लाइफ में सुना है उनके बारे में कि सलमान ऐसे हैं वैसे हैं, एक्चुअली में वो बहुत सीधे और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही डिसेंट है, सिर्फ अपना काम और अपनी दुनिया में बिजी रहने वाला इंसान है और बहुत अच्छा है। और मेरा जो करेक्टर है दबंग 3 में, वो है एक किडनैप गर्ल का करेक्टर है, जो बहुत ही अच्छा होता है कि जिसमें लाइक मैं किडनैप हो गई हूँ और सलमान मुझे बचाने आ रहा है, जो आई थिंक दबंग फर्स्ट का कुछ उन्होंने सीरीज़ का कुछ तो ऐसा किया था। सो बहुत अच्छा करेक्टर है, आप लोग देखेंगे मज़ा आएगा। और सर क्या कहते हैं कि आगे चल के किस तरह के प्रोजेक्ट्स कराना चाहते हैं आप डायरेक्टर के तौर पर? मेरा जो टेस्ट है एक्चुअली वो सस्पेंस हॉरर एक्शन इसी तरह का है और ऐसे ही करूँगा इसी तरह के प्रोजेक्ट। आप बताइए क्या सिंह मल्टीमीडिया क्रिएशन का जो आपने स्थापना किया, क्या विजन है आगे चलते प्रोड्यूसर के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट्स को बैकअप करेंगे और क्या दर्शकों को पेश करेंगे?
आगे भी हम भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, एक्शन का भी इस्तेमाल चल रहा है, बाकी देखते हैं जैसे आगे आगे क्या हो हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाएंगे। फिल्म का मुहूर्त है, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और इंट्रोड्यूस कर दीजिए पूरे। हम लोग, मेरा नाम समीर खान है और हम लोग फिल्म से काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म, तो हॉरर है और भी इसमें इसका फिल्म का कंटेंट काफ़ी डिफरेंस है और दर्शकों को और ऑडियंस को काफ़ी फिल्म पसंद आएगी क्योंकि इसका कंटेंट और स्टोरी जो है काफ़ी डिफरेंस है और हमने ऑडियंस को मतलब ध्यान में रखते हुए ये फिल्म को बनाई है। एक्चुअली हॉरर फिल्म हमने कई सारे वाराणसी में मॉडलिंग शो किए और कुछ थिएटर भी किए वहाँ पे और फिर मैंने यहाँ बहुत सारे ऑडिशन कुछ ऑडिशन दिए, पूरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को हमारा रोल और वर्क अच्छा लगा क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए चुना गया हमें और काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और हम लोग शूट बहुत जल्दी एक दो दिन बाद इसका शूट चालू कर देंगे। अच्छा, दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा जी, और उम्मीद है कि मतलब इसी साल में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। हाँ, मेरा नाम रंजेश सिंह है और ये मेरी तीसरी फिल्म है, इससे पहले मैंने दो फिल्में एज ए मैन लीड कर चुका हूँ, एक द ट्रैप और क्या तुम तो सेंसर भी हो चुकी है, वो जल्दी सिनेमाघर में आ जाएगी और दूसरी है द ट्रैप, उसमें थोड़ा सा एक सॉन्ग बाकी है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये मेरी तीसरी फिल्म है। ऐसे वगैरह मेरा वेब सीरीज़ वगैरह बहुत सारे हैं, कॉमेडी का भी मेरा बहुत सारा है और बेसिकली मैं थिएटर से हूँ तो ये फिल्म करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लोग काफ़ी यंग है, सो क्या एक्सपेक्टेशन है आगे आने वाले समय में इस फिल्म से, अगर आपका करियर जुड़ा हुआ है इस फिल्म से, दोनों जन की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, इससे करियर तो मेरा बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको तुरंत से हाँ कर दिया और मुझे जहाँ तक लगा कि अभी तक मैंने जो भी फिल्में की है उससे ये बेटर फिल्म है, आई होप इन फ्यूचर मुझे इससे बेनिफिट मिले। सभी को आराम क्या करना चाहिए, और यही कहना चाहेंगे कि जो है इस फिल्म में हम लोग बहुत अच्छा वर्क करें और आप लोग का सहयोग मिले और यही बस। अभिषेक अमोल सर, अभी हम बेसिकली तीन फिल्म के साथ काम कर रहे हैं, उसमें से एक सलमान खान फिल्म के लिए भी काम है और या इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अस, बट अपार्ट दैट ये फिल्म हमें लगभग एक साल पहले ऑफर हुई थी और उस समय हम गाने पे प्रैक्टिस मतलब हम गाने पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे कि क्या सर एक्चुअली स्क्रिप्ट पे अराउंड एक साल से लेकर है, तो जो हम तक जो स्क्रिप्ट पहुँची थी वो हॉरर थ्रिलर और दोनों का मिक्सचर था, तो जो दो गाने जो हमने अभी तक पुट ऑन करे हैं इस फिल्म में, उसमें जो अभी तक दो गाने हैं बहुत, एक लव रोमांटिक ट्रैक है और एक पार्टी नंबर है, एक डांस नंबर है, मतलब दोनों जब निकलेंगे, एक इतना सेंशुअल ट्रैक है, इट्स अ पार्टी नंबर, स्लो ट्रैक, स्लो रोमांटिक थ्रिलर ट्रैक, और उसके बाद एक पार्टी नंबर है वो बहुत डांस नंबर है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनकर। जोड़ी है मतलब जी 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 अभिषेक अमोल की, तो क्या करना चाहेंगे? हम लोग बेसिकली साथ में दो ढाई साल से काम कर रहे हैं और जैसा कि अभिषेक ने बताया अभी तक दो ढाई साल में हम लोगों ने तीन फिल्म साइन करी एक सर की फिल्म में, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और गाने की अगर मैं बात करूँ, गाना इतना प्यारा है, जब वो दोनों गाने आएंगे, जैसे पहला जो लव नंबर है इट्स एसेंशियल ट्रैक, वो बहुत मज़ा आएगा आपको सुनकर, दूसरी जो पार्टी नंबर है इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल डांस नंबर, वेरी कैची, वेरी कैची, उसमें रैप है वगैरह सब कुछ है, तो थैंक यू सो मच। और लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं और जी हम दोनों ही लिखते हैं लिरिक्स और गाने भी, वैसे मज़ा आएगा सुनकर, थैंक यू। मेरा नाम संदीप राले है, ये मेरी तीसरी फिल्म है। हाँ, और इससे पहले मैंने द पास्ट मदमत बरखा की थी और ये तीसरी है क्रॉस। तो इस फिल्म से मतलब आपने क्या सोचा है कि मतलब हॉरर फिल्म बनाई जाए? कुछ हॉरर फिल्म लिखना जो है वो बड़ा इंटरटेनिंग पहलू होता है, तो चलो मैंने जसपाल जी को सब्जेक्ट सुनाया तो उनको अच्छा लगा, इससे पहले द पास्ट वो भी हॉरर था, तो सब हॉरर फिल्मों की जो स्टोरी होती है बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उसमें, तो उनको लगा कि चलो और एक फिल्म बना लेते हैं, तो ये क्रॉस है। देखिए उस विषय पे मैं नहीं बोल सकता, इतना जरूर कहूँगा कि दर्शकों को पसंद आएगी, हॉरर जानवर की अगर ये फिल्म है तो दर्शकों को पसंद आएगी।
इतना ही कहा। तो मतलब फिल्म कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाएगी? नहीं, उन्हें पसंद आएगी। देखो, ऑडियंस के लिए जब फिल्म होती है तो उन्हें हॉरर का वो एक इंटरटेनिंग देखी जाएगी। तो फिल्म का रिलीजिंग डेट वगैरह कब से? वो अभी तो नहीं बस, अभी नहीं है शूट, अभी जल्दी हम जा रहे हैं, 2-4 दिनों में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कहाँ शूट करेंगे? ये हम कुछ पार्ट पालघर में करेंगे, कुछ सूरत में करेंगे।